एबीपीएस न्यूज़ एबीपीएस न्यूज़ टीम के साथ जनपद बरेली के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद में स्थित अलीनगर गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 1800 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से इस गांव की दूरी 20 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गाँव के प्रधान रश्मि देवी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव में 63 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में 250 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 3 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, 3 आवास तथा जल निकासी के लिए 2 नाले का निर्माण भी कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गाँव में 28 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 4 हैंडपंप लगवाने की सरकार से दरकार है। वहीं बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 55 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर, 5 सोलर लाइटें, 40 विद्युत लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में शमशान घाट, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर की मरम्मत, जूनियर हाई स्कूल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 42 शौचालयों का निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पति अलीनगर से हूँ। मैंने गांव में काफ़ी विकास कराया है। हम सीसी मैंने करा दी है गांव में, अमरता देवी घर से लेकर बाबूराम घर तक, और छोटी छोटी और दो सीसी हैं। ये सोच रहा हूँ शमशान भूमि तक कच्ची रास्ता है, उस पर खरंजा कराने सोच रहा हूँ। तो आम जब बरसात में कोई डेड हो जाती गाँव में सीसी तो ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी लोग गिरते हैं, पिटरते हैं, गंदगी पैदा होती है उससे। तो वहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी पर शमशान भूमि मेरे गाँव से, तो वहाँ पर ये सोच रहा हूँ उसको मतलब टीन शेड भी पड़ जाए। वहाँ पर बरसात आ जाती है, धूप ज़्यादा होती है तो बैठने की सुविधा नहीं है वहाँ पर। बरसात में ईंधन भी मतलब खराब हो जाता है, तो मुर्दा मतलब लाश जो होती है उसको जलाने की मतलब अति सुविधा मतलब हो जाती है। वह यहीं पर एक दशमा स्थल बनवाना सोच रहा हूँ यहाँ पर, कि मतलब काफ़ी दूरी पर सड़क किनारे दशमा लोग करते हैं गाँव के लोगों, पुरानी परम्परा चली आ रही है। तो वहाँ पर भी मतलब बरसात के तौर में मतलब घर भागते हैं, दशमा पर पूरी मतलब प्रक्रिया नहीं हो पाती है। एक रास्ता भी स्कूल के पीछे गांव के काफ़ी लोगों को परेशानी पड़ती है, 1 किलोमीटर दूरी से घूम के जाते हैं। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, और रास्ते में मिट्टी का मतलब बहुत रोकथाम चल रही है सरकारी तौर पर, तो वो रास्ता में मिट्टी की वजह से नहीं करा पा रहा हूँ, और पैसा भी नहीं आ रहा है। पैसा आ जाए तो मैं सोच रहा हूँ ये 2-3 काम मेरे रह गए। 45 लाइटें लगवा दी, स्टील लाइटें लगवा दी मैंने गाँव में, उसमें क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं रात में रोशनी होती है गाँव में पूरी, और अच्छा क्या कहते हैं विकास हो गया। जिला बरेली, मेरे यहाँ छात्र संख्या 132 पंजीकृत है। यहाँ अधिक से अधिक नियमित विद्यालय में छात्र एवं छात्राएं आते हैं। यहाँ MDM भी अच्छा खाना दिलवाया जाता है, और यहाँ बच्चे की गुणवत्ता भी शिक्षा के प्रति जागरूकता है। और यहाँ विद्यालय को मैंने खूब साफ स्वच्छ बना रखा है, और यहाँ एक नल की आवश्यकता है जिससे कि पानी लैट्रिन बाथरूम में जा सके, जिससे साफ सफाई बन सके।